और 3 महीना में 3 बार छापेमारी हुआ है और एक बार भी प्रशासन का हाथ में कुछ नहीं मिला। हम शराब नहीं बेच रहे, हमारे पास प्रशासन आ रहा है और जो बेच रहा वहाँ नहीं जा रहा। वाह जी वाह। बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत का सिलसिला जारी है, बस जिले बदलते जा रहे हैं। पिछले 15 दिन में अब तक नालंदा और सारण में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इस जिलों की लिस्ट में बक्सर भी शामिल हो गया है, जहां गणतंत्र दिवस के दिन जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। एक साथ 5 मौत की घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। मामला जिले के डुमराव अनुमंडल अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के आमसारी गांव की बताई जा रही है, जहां 26 जनवरी की रात शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। 2-3 लोग अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यहां के ग्रामीणों की माने 26 जनवरी की शाम 7-8 लोग शराब पीकर जश्न मना रहे थे। देर रात अचानक एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 शराब पीने वाले अन्य 2-3 लोगों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। मृतकों में आमसारी गांव में राज नारायण सिंह के पुत्र आनंद सिंह, गोपाल सिंह के पुत्र मिंकू सिंह, यदु यादव के पुत्र शिव मोहन यादव, कामेश्वर सिंह के शिक्षक पुत्र भृगु सिंह और शिकू मुसहर की मौत हो गई है। भृगु सिंह के भाई बंटी सिंह समेत 7-8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव के लोगों ने बताया कि 26 जनवरी की देर शाम को इन सभी ने देशी शराब पी थी। बताया जाता है कि पार्टी करने के लिए मिंकू नाम के युवक ने कहीं से होम्योपैथिक दवा मिलाकर तैयार की गई शराब लेकर आया था। देर रात करीब 12 बजे पार्टी के दौरान ही अचानक आनंद सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद आनंद सिंह ने दम तोड़ दिया। इसके बाद शराब पार्टी में शामिल अन्य सभी लोगों की स्थिति खराब होने लगी और एक के बाद एक अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। मराव एएसपी श्रीराज ने बताया कि अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। अफवाह के अनुसार पार्टी के दौरान शराब सेवन की जानकारी मिल रही है। देर रात करीब 11:30 बजे सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या थी। इसमें घटनास्थल पे हम लोग आए हैं, जो एक इलाजरत हैं उनके उनसे पूछा गया था, उसी के आधार पे हम लोग आए हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे शाम में वो जब आए थे तो उनको भी उजला रंग का कुछ वो केमिकल दिया गया था। उनका कहना है कि देसी शराब नहीं था, वो केमिकल का ये था। वर्तमान में हम लोग जहाँ स्पॉट पे हैं, किसी तरह का कुछ जो डब्बे मिले हैं, डब्बे में हालांकि कोई केमिकल अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो एनालिसिस के लिए हम लोग भेजेंगे। बड़ी दुखद घटना है, इतनी कार्रवाई के बाद पश्चात भी जहाँ किस तरह की घटना कहीं हो जाए तो ये दुखद ही कहा जाएगा। इस पर जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया है, उस पर हम लोग हर बिंदु पर जाँच करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें इसके अंदर में है उसको सभी को जो है कि आप लोगों के सभी के सामने लाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग का अपना पूरा रिकॉर्ड है। हम लोगों ने कंटिन्यूस निरंतर हम लोगों ने छापेमारी की है और हम लोगों का इसमें फलाफल भी रहा है। आगे क्या करवाई है? आगे हम लोग कंटिन्यूस शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कंटिन्यूस छापेमारी करते रहेंगे और गिरफ्तारी करते रहेंगे।